दैट इज स्पेसिफिकली और जेनरली जेनरली यूज टू मेजर यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस एट अ प्लेस तो यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ऑप्शन है नहीं लेकिन एक और ऐसा ऑप्शन है जो कि बैरोमीटर कैन मेजर यहाँ पे कैन लिखा है ठीक है यहां पे मस्त में लिखा तो यहां पे कैन लिखा है तो बैरोमीटर एक और चीज मेजर कर सकता है दैट इज ऑल्टीट्यूड ऑप्शन सी क्यों देखो बेसिकली जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस और उस प्लेस का ऑल्टीट्यूड आर रिलेटेड और ऑल्टीट्यूड जो है उस प्लेस का आर रिलेटेड हाउ ये कैसे रिलेटेड होते हैं जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है एटमोस्फेरिक प्रेशर घटता है दिस आर बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू इच अदर इफ द एपी एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस इसका मतलब है उस जगह का ऑल्टीट्यूड जो है ऑल्टीट्यूड वो कम है इफ ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस इफ ऑल्टीट्यूड जगह बढ़ रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर उसका कम हो जाएगा इसका रीजन क्या है इसका रीजन भी सिंपल है इसका रीजन ये होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है लेट्स से मैं सी लेवल पे खड़ा हूं सी लेवल मतलब काफी नीचे ग्राउंड लेवल एकदम राइट तो बेसिकली मेरे ऊपर कितना एटमोसफेयर है इतना सारा एटमोसफेयर है राइट right? और ये सारे का सारा एटमोसफेयर प्रेशर लगा रहा है एक जिसे मैं प्रेशर बोलता हूं। लेकिन अब सपोज करो मैं एक पहाड़ पे चला गया तो इतना पहाड़ है और मैं अब यहाँ खड़ा हूँ राइट right? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड देन अब मेरे ऊपर कितना एटमोसफेयर है देखो बस इतना सा और ये जो प्रेशर लगा रहा है दैट विल बी अ फोर्स लेस